ये आप हैं, मान के चलें। कोई आपको दुख दे और दे, थोड़ा और दुख दे 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 और दुख दे, और फिर एक दिन उसे रियलाइज हो कि वो आपके साथ गलत कर रहा है, आपको सॉरी बोल दे, आपको और सॉरी बोले, आपको और सॉरी बोले, और सॉरी और सॉरी 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 सॉरी। क्या आप पहले जैसे हो सकेंगे? आप कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकेंगे। आई नो आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो इमोशंस पहले जैसे नहीं हो सकेंगे। आप इस कागज की तरह हो जाएंगे, टूटे मूटे से, मुड़े हुए से। लेकिन अब इस हालत में हम क्या करें? इस हालत में कोशिश करें कि दूसरे को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें। लेकिन इसके बाद अब यह फैसला कर लें कि दोबारा कभी ना तो इस बंदे के साथ अपनी वो पहले जैसी फीलिंग्स जोड़ेंगे और ना ही इमोशंस जोड़ेंगे। जब आप किसी इंसान से अपने फीलिंग्स और इमोशंस अलग कर लेते हैं, उससे थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाते हैं, फिर वो इंसान कभी आपको दुख नहीं दे सकता, कभी आपको तकलीफ नहीं दे सकता। क्योंकि हमें जो चीज़ हर्ट करती है वो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो हमारी इमोशंस होते हैं। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।